वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसने हमारी ज़िंदगी जो है बहुत आसान भी बना दी है, बहुत तरीक़ों से मुश्किल भी कर दिया है। कॉम्प्लिकेशंस भी हैं तो फ़ायदे भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कशन करेंगे। आईटी एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ और इसके साथ साथ हमें साइकोलॉजिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सज्जाद मुस्तफ़ा जो कि आईटी एक्सपर्ट है और उसके साथ साथ सबा जावेद होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो सज्जाद साहब, आपकी जानिब आए, हम टेक्नोलॉजी, आईटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया इनकी बातें करते हैं, जिंदगी आसान बनाई है या मुश्किल बनाई है हमारी? डिपेंड करता है जी, मुश्किल सवाल है। जहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ आई हैं टेक्नोलॉजी से, फॉर इंस्टेंस लोग यहाँ से बैठे हुए, एक ज़माने में मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता था तो एक मिनट की, तीन मिनट की कॉल होती थी, पूरा दिन लोग इंतज़ार करते थे और बात होती थी। अभी आप उठाएं और एक मिनट में व्हाट्सएप कॉल कर लें, फेस टाइम कर लें और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी की वजह से वही मोबाइल फ़ोन कॉल्स जो पहले शायद 3 या 5 रुपए या मिनट होती थी, अब तकरीबन मुफ्त हो गई। सो वो फ़ायदे भी हुए हैं और ये बहुत पॉजिटिव फायदे हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉजिटिव हैं, लोगों को करीब लेके हैं। हाउएवर, इसका फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी है। उसके अलावा आप अगर आप देखें तो बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है, जो आउटडोर एक्सपोजर होता था, एक ही घर में 5 लोग दोस्त बैठे हुए होते हैं और सारे फोनों पे लगे होते हैं, आपस में ह्यूमन इंटरेक्शन, फैमिली का एग्जांपल देते हैं कि अगर पानी का ग्लास भी चाहिए, हम जो फैमिली ग्रुप पे उसमें मैसेज कर देते हैं बहन पानी पकड़ा दो। मुझे मेरे घर में एक बच्चा नीचे अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक ऊपर अपने कमरे में बैठा हुआ है, तो जो शाम को हमारा आपस में फैमिली टाइम होता था कि इकट्ठे बैठ के टीवी देखते थे या इकट्ठे बैठ के 9:30-8 बजे का ड्रामा देखते थे या खाना, वो काम टाइम खत्म हो गया। सो आई थिंक आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ का फायदा या नुकसान नहीं होता, तकरीबन फायदा ही होता है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है इस पे डिपेंड करता है। अच्छा सज्जाद साहब, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी और केसेस भी हमारे सामने आते हैं आईटी की वजह से या सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी लोगों की जिंदगी में हो जाती है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता, हम बहुत सारी ऐसी एप्स, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे होते हैं जिनकी हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। जी, प्राइवेसी आजकल सबसे मेजर कंसर्न है। मैं तो लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि अगर वो चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक है तो वो प्राइवेट नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ फेसबुक पे डाल दी या लिंक्डइन पे डाल दी या किसी एक को व्हाट्सएप कर दिया तो वो फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन है और वहाँ पे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बच्चों के ऊपर हमें ख़ास तौर पर बहुत नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पहली किडनेपिंग और मर्डर ऑन सोशल मीडिया की वजह से या फेसबुक पे शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की वजह, बिकॉज बहुत सारे लोग आउट देयर हैं जो इसको इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो बच्चों को ये ज़रूर गाइड करना चाहिए कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे। बड़े जितने फोरम्स हैं, फेसबुक हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो आपको ये फंक्शनैलिटी देते हैं कि आप अपना प्रोफाइल लिमिट कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कौन देखें कौन ना देखें। बच्चों के केस में ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आप देखें तो ईमेल एड्रेस करते वक्त वो आपसे उम्र पूछते हैं कि जी 13 या 14 या 15 साल हो, ईमेल एड्रेस बनाते वक्त काइंडली उसको इस्तेमाल करें। सो ये एक बड़ा मेजर एक रिस्क है और ख्वातीन को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल देखना चाहिए कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप जिसके साथ भी शेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता उधर ही रहें, इट कैन ऑलवेज बी पास्ड अराउंड, सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस कि क्या भेजा जा रहा है। प्राइवेसी की बात की अभी डॉक्टर साहब ने, सॉरी डॉक्टर कह रही हूँ, प्राइवेसी की बात की सज्जाद साहब ने, लेकिन उसके साथ साथ हम बात करते हैं ख्वातीन की सोशल मीडिया पर जो भी डिस्कशन होती है, जो भी हम बात करते हैं, जिससे अपना डाटा शेयर करते हैं, साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट आता है और हम देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन, एन्जाइटी, इवन छोटी एज के बच्चों की बात सज्जाद साहब ने की, तो बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसका शिकार हो चुके हैं, एन्जाइटी और डिप्रेशन का, इस पर भी थोड़ी सी हमने बात करनी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब जो बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स का ये है कि वो गैजेट्स पकड़ा देते हैं एंड दे डोंट चेक कि बच्चे यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अब हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं दे आर बिकमिंग मोर मूडी, मोर इम्पल्सिव, हाइपर एक्टिव। तो इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है ना, आप बिकॉज देर इज़ नो चेक एंड बैलेंस, पेरेंट्स के साइड पे नहीं है। आप ठीक है, बच्चों को आप इंट्रोड्यूस जरूर करवाएं टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं और उसको पॉजिटिवली यूज़ कैसे करना है, उसकी अवेयरनेस देना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है।
और सपोज के लिए सॉरी ये भी तो है कि पेरेंट्स को खुद भी नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू. मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की पेरेंटिंग की जरूरत है, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव टू फेस व्हेन दे टर्न इनटू द एडल्ट्स एंड व्हेन दे कम इनटू द प्रोफेशनल फील्ड्स. आप देखते हैं बिकॉज बींग अ साइकोलॉजिस्ट व्हाट डू आई अंडरस्टैंड कि जब कोई कुछ कर रहा है उसके पीछे जो है उसका ब्रॉटअप है. Exactly. तो जो ब्रॉटअप में जो चीज़ें जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं उसको बाद में ठीक करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और बाद में उस तरह से कोई मोटिवेट भी नहीं होता. तो ये पेरेंटिंग से स्टार्ट होता है. तो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से पेरेंटिंग पे कोई कोर्सेज ऑफर नहीं होते, कोई प्रोग्राम्स ऑफर नहीं होते, कोई इस तरह से इंस्टीट्यूट नहीं है. पेरेंट्स दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू नो कि हम बच्चों को प्रॉपर जो ब्रॉटअप की जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए उस पर हम किस तरह से एम्फसाइज करें, उसको हम किस तरह से लर्न करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें. मैं तो ये समझती हूँ कि इवन बिफोर गेटिंग मैरिड देयर शुड बी अ कोर्सेज प्रोग्राम्स कि जी आपने करना क्या है आगे लाइफ में. आप हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन होती है. शायद अब सब हमारी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक लिमिट हो चुकी है कि हम इस चीज को नहीं बिल्कुल भी फोकस में रखते. हम कहते हैं बस ठीक है, एक एज पढ़ लिया लड़की ने, लड़के ने पढ़ लिया, उसने जॉब कर ली, बस ठीक है, नाउ ही इज रेडी टू गेट मैरिड. तो हम फौरन से उस चीज पे गाते हैं. लेकिन एट द एंड हम सोशल मीडिया की भी बात करें, इंटरनेट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हम अपने इर्द गिर्द भी, बहुत सारी बायपोलर जो शख्सियात हैं वो इस सोशल मीडिया फॉरम्स पर मौजूद हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरह एक्सप्लॉइट भी कर रही हैं. आप लोगों को खुद भी हम मौका फराहम करते हैं. तो उन सारी चीजों पर किस तरह से काबू किया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है किसी की भी जिंदगी में कि कोई आपको सोशल मीडिया या साइबर बुलिंग की फेस करनी पड़ी आपको. एक तो जो साइबर बुलिंग पे है उस पर अवेयरनेस नहीं है, उस पर मीडिया का भी कोई इतना एक्टिव रोल नहीं है कि उसको प्रमोट करे कि हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगेन हमारे इधर फैमिलीज में कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई फिल्टर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा कि क्या किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो रही है और किसके साथ शेयर हो रही है. और हमें खुद को भी थोड़ी सी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने किसके साथ करनी है, किन लोगों के साथ, और किस हद तक जो फेकनेस का एलिमेंट है वो मीडिया में टेक्नोलॉजी में है. तो इन चीज़ों की अवेयरनेस को जितना प्रमोट करेंगे ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम उसी हद तक कम भी कर सकते हैं. ठीक हो गया सज्जाद साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे. जिससे अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, अभी मैंने आपसे शो शुरू होने से पहले कहा कि हम जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो भी है, तो हम उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बगैर आई एग्री भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरी ऑप्शन भी नहीं होती. और वो हमारी सबसे बड़ी जो काहली होती है कि इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा, चलो आई एग्री करो, हमने डाउनलोड तो करनी है. जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वो पढ़ भी लें तो वो इतनी लॉयरली जुबान में लिखी होती है कि आपको समझ नहीं आता. अलबत्ता आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी छोटी मोटी विदाउट नोइंग एप्स डाउनलोड मत कीजिए. सही, ठीक है. प्रॉपर स्टोर से, गूगल प्ले हो गया या iOS वगैरह हो गया, वहाँ से करें. उनके कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी हैं. नीचे तकरीबन हर बड़ी ऐप नीचे आपको चॉइस देती है कि जी कैन वी शेयर योर इन्फॉर्मेशन, क्या हम आपकी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल. वो लास्ट दो तीन सेक्शन जहाँ पे आपने क्लिक करके एग्री करना होता है उनको जरूर पढ़ लें. बाकी वो डिलिबरेटली 10 सफ़ों का लिखा हुआ होता है. आप अगर अव्वल तो पढ़ेंगे नहीं, अगर हम एडवाइस कर भी दें, कोई भी नहीं पढ़ता और पढ़ेंगे भी नहीं अगर हम एडवाइस कर भी दें. बिल्कुल. और अगर पढ़ भी लेंगे तो आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जिन्हें वो इतनी लॉयरली जुबान में लिखी हुई होती है कि समझ आए. अलबत्ता आखिर में दो तीन चीजें जरूर लिखी हुई होती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे वो शेयर कर सकते हैं. अगर तो ये लिखा हुआ है कि जी स्टेटिस्टिकल पर्पजेज के लिए शेयर कर लें कि जी हम ये देखना चाहते हैं आप किधर हैं, क्या हैं, दैट्स ओके, आप इजाजत दे दें. पर अगर ये लिखा हुआ है कि जी आपकी जो तस्वीरें हैं वो हम जिस मर्जी को शेयर करते फिरें, तो शायद फिर वहां पे यू वांट टू कंट्रोल. नॉर्मली जो बड़ी एप्स हैं जैसे फेसबुक हो गया या आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उनका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे चल रहा होता है, यू आर ओके. और आपके पास चॉइस होती है प्राइवेसी वाले सेक्शन में जहां पे आप जाके कंट्रोल कर सकते हैं. सो अगर आप इन पे जाएं तो काइंडली 2 मिनट लगा के जरा प्राइवेसी वाले सेक्शन पे जाएं और वहां जाके यू कैन इन डिटेल आप चूज कर सकते हैं कि किसको जाना है किसको नहीं करना. दूसरी बात यह है कि अगर आप सोशल नेटवर्क पे जाते हैं और बुलिंग वगैरह का कुछ होता है, अपने बच्चों के केस में तो जरूर मॉनिटर कीजिए उनकी एक्टिविटी. यू कैन एक्चुअली मॉनिटर इट.
आप बच्चों को कह सकते हैं कि जी अगर आपने फेसबुक पे जाना है तो मुझे आपने अपना फ्रेंड बनाना ही बनाना है और मुझे लिमिटेड प्रोफाइल पे नहीं रखना, जो मर्जी कर लें आप. सो दैट इज वेरी वन वेरी इजी, बहुत आसान तरीका है ये करने का. दूसरा, कंप्यूटर हमेशा पब्लिक जगह पे रखें ताकि आपको स्क्रीन नजर आती रहे. आपको पता आपका बच्चा क्या देख क्या कर रहा है क्या कर रहा है. तो स्क्रीन नॉर्मली बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज किसी ऐसी जगह पे रखें. अगर बच्चा कमरे में जाके दरवाजा बंद करके कंप्यूटर ऑन करता है तो आप दरवाजा खोल दीजिए. तो दे वेरी सिंपल टेक्निक्स. आई रिमेम्बर जब हम जवान थे, वी वर ग्रोइंग अप, तो हम लोग, मेरी वालदा का, हम लोग घर बना रहे थे अपना, तो मेरी वालदा की ने फोर्स किया घर के डिजाइन में कि मैं सेंटर लाउंज में बैठूं तो मुझे सारे सारों के कमरे नजर आए. अच्छा, दैट वाज बैड डिजाइन. उन्होंने ये रखा कि सब लड़के हैं, दो हम भाई थे, कि हम लोगों के कमरे नजर आने चाहिए, नजर आने चाहिए जहां बैठे, ताकि इंसान बने रहे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता होते. बड़ों को भी नहीं पता होते और बच्चों को तो भी बिल्कुल भी नहीं पता होता. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस पर नजर रखें और सिर्फ ये देखें कि वो शेयर क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. थैंक यू वेरी मच सबा एंड थैंक यू वेरी मच सजा साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का. जनाब आज का टॉपिक हमारा यही था कि आपने सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव वे में करना है. डिपेंड करता है इसके नुकसान भी है, फायदे भी, आप किस तरह से इस्तेमाल करें. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.